अब हम दूसरी सिलाई इसके साइड से लेंगे। देखिए बिल्कुल याद करते हुए दूसरी सिलाई लिया हुआ है, इस तरह हमने पहली सिलाई लिया था इस तरह। लेकिन यहाँ आकर दोनों सिलाई को हम मिला देंगे। देखिए ये दो सिलाई हो गई। अब हम दूसरी तरफ, अब दूसरे आस्तीन के तरफ देखिए, फिर से मैंने यहाँ पर 4.5 इंच माप लिया है। अब 4.5 इंच में आप इस तरह चौक लेकर टिक भी कर सकते हैं। 4.5 इंच पर माप लेकर आप इसको रफ करके आप चाहे तो इसका इस तरह टिक डाल सकते हैं। करके डाल सकते हैं इस तरह। अगर आप नया नया सिलाई सीख रहे हैं तो आप मार्क चौक का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता। इस तरह देखिए, इस चटके के पास यहाँ बिल्कुल चटका दिख रहा है, इस चटके के पास इस सिलाई को लेना है। इस चटके के पास इस सिलाई को देखिए, हमने 1.5 इंच का डायग्राम लिया हुआ है। इस तरह हम 1.5 इंच का टेप रखकर सकते हैं। देखिए यहाँ फिर से एक चटका है जो हिप की लंबाई पे लिया जाता है, चौड़ाई पे। यहाँ पर हम 1 इंच का टेप लेंगे और इसे यहाँ रफ कर देंगे। रफ यानी घीटी डाल देंगे, जिस तरह हम स्टार्टिंग में इस तरह रफ करते हैं, यानी सिलाई को आगे पीछे करते हैं। सिलाई को आगे पीछे करके सिलाई लेने से जल्दी सिलाई नहीं खुलती है। अब इसे भी हम ध्यान करते हैं सिलाई, क्योंकि अगर ये ड्रेस पहनने में टाइट हो रहा है तो हम इसी सिलाई को खोल के दूसरी सिलाई पर पहन सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ भी 2 सिलाई लिया हुआ है और यहाँ भी 2 सिलाई लिया हुआ है। अब हम इस ड्रेस को सीधा कर देंगे, अब हम इस ड्रेस को सीधा कर देंगे। देखिए मैंने ड्रेस को सीधा कर दिया है। इस तरह ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ये ड्रेस 8 साल की बच्ची को आए जैसा है। अब हम चौक मारने का तरीका देखेंगे। देखिए कभी भी नीचे की तरफ से चौक लेना चाहिए उल्टे कपड़े पर। इस तरह 1/2 इंच और फिर से 1/2 इंच, इस तरह। देखिए अब हम यह सुई के पास कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब कि कपड़े को नहीं लेंगे, आगे के कपड़े को हम फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह। देखिए मैंने जैसा कि पहले बताया, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम, आगे के कपड़े को टच करेंगे, यानी कि आगे के कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे हाफ हाफ में। ये बगैर अस्तर का शर्ट है। देखिए इधर भी मैंने स्विंग को अटका के रखा हुआ है। देखिए इधर स्विंग को अटका के रखा हुआ है। अगर हम स्विंग को नहीं अटकाएंगे तो हमारी चौक की फिनिशिंग नहीं आएंगी। देखिए मैंने फिर से दोबारा स्विच को अटकाया हुआ है। देखिए अब फिर हम 1/2 इंच 2 बार आधा आधा, देखिए मैं ये कपड़े को नहीं पकड़ूंगी, आगे के कपड़े को पकड़कर। देखिए अब हम दूसरी सिलाई सीधे कपड़े पर लेंगे। ये सीधा कपड़ा है, सीधे कपड़े के किनारे। देखिए बिल्कुल किनारे की तरफ हमें सिलाई डालना है।
और इन दोनों कपड़ों के बीच में सिलाई को रुकाना है, इन दोनों कपड़ों के बीच सेंटर में सुई को अटका देना है। अब हम दूसरी तरफ का चौक मारेंगे। इसे शुरुआत करनी है, देखिए हाफ इंच कपड़ा ही आपको क्योंकि हमने माया एक इंच लिया है। अगर माया हमने ज़्यादा लिया है, देखिए मैं चौक से करके बता रही हूँ, यहाँ से लेके ये जो सिलाई का सेंटर है इससे थोड़ा सा आगे आएंगे हम और सुई को अटका लेंगे। इसके बाद फिर हम कपड़े को पलटा कर हाफ हाफ इंच दो बार लेंगे और सिलाई को फिर से लेकर सुई को अटका लेंगे। अब हम इस कपड़े को नहीं पकड़ेंगे, आगे के कपड़े को पकड़ेंगे। देखिए मैंने पहले भी बताया इस कपड़े को हम नहीं पकड़ेंगे, आगे के कपड़े को हाफ हाफ इंच दो बार फोल्ड करेंगे। अब हम सीधा करके कपड़े को किनारे की तरफ से सिलाई करेंगे। और दोनों कपड़ों की सेंटर में रुका देंगे सुई। देखिए इस तरह हम किनारे की सिलाई ले किनारे की सिलाई। अब जिस तरह हमने चौक सिया हुआ था उसी तरह हम दामन की भी हाफ हाफ इंच दो बार ले लेंगे। देखिए जो धागे दिख रहे हैं इसे हम काट लेंगे हाफ इंच दो बार करके। देखिए बिल्कुल चौक की तरह इधर कपड़ा नहीं पकड़ना है, आगे के कपड़े को पकड़ के फिर से हम इसे इस कपड़े को सीधा करके बिल्कुल इसी तरह इस दामन को भी हम मार लेंगे। देखिए इस तरह सिलाई मार लिए और इसके किनारे को हम कभी भी सिलाई स्टार्ट करने से पहले रफ करेंगे, यानी कि आगे ये हो गया पूरा। देखिए कंप्लीट शर्ट, ये सिंपल सिलाई है लेकिन इस जो शॉप में सीते हैं उसमें पेपर कैंडीज को चिपका कर लिया जाता है, वो फिर मैं कभी और वीडियो में बता दूंगी। अभी ये तो सिंपल सिलाई है। देखिए इस तरह ये ड्रेस रेडी हो चुका है। इस तरह ये ड्रेस रेडी हो चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये है सिंपल गला, बिल्कुल सिंपल गला। देखिए इस तरह ये हो गया सादा शर्ट कट कर। बाय 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 बाय।